नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि हमने आपको मॉक टेस्ट दोस्तों प्रोवाइड कराया था, उसमें मॉक टेस्ट 3 और मॉक टेस्ट 4 में दोस्तों मैथ के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उनको ही दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको अपने टेस्ट के तौर पर उनको सॉल्व करें, उनका आंसर दें। तो दोस्तों और वीडियो को लाइक शेयर आप कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये दिया होगा, क्या क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से और इसका आंसर दें कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो दोस्तों अब तीन संख्या है, कितनी है? तीन संख्या है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यानी दोस्तों कि जो तीन संख्या है हम मान लेते हैं ए, वी और सी। अब क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को अगर हम 1 मान लें तो ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी, ये 3। अब इससे आगे पढ़ें कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, यानी जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की 5 गुनी है, कितना हो जाएगा 15। अब हम इन सबको और आगे कह रहा है 57 क्या है औसत दिया हुआ है, 57 क्या है औसत। तो अब इन सबको हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, अरे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19। जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया 19। अब 19 हो गया, लेकिन ये औसत है हमारा क्या है ये, तो इसको हम संयोग बना लेंगे, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि 3 संख्या ही तो है। तो ये अब क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा योग, तीनों संख्याओं का योग हो गया। लेकिन दोस्तों 19 है योग, तो ये किसके बराबर, 57 गुणा 3 के बराबर, यानी कि ये कितने का गुणा कर दें इसमें 9 का, तो यही तो होगा। अब पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो सबसे बड़ी, तो अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 और सबसे छोटी क्या है 1, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 14 और इसमें 9 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 126, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या 126 ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है तो पढ़ें और उसका आंसर दें आप। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है, वह संख्या है, एक संख्या अपने 5वें भाग से, यानी दोस्तों 5वां भाग जैसे 1/5, यानी 5 का दोस्तों 5वां भाग कितना हो जाएगा 1, ये इससे कितना अधिक है 4 ही तो ज्यादा है दोस्तों, अरे इससे 5वें भाग से दोस्तों संख्या कितना है 4 ज्यादा है, लेकिन इसमें कितना बोल रहा है 20 ज्यादा है, तो यानी कि 20 तो कितने का गुणा कर दे इसमें 5 का, तो फिर इसमें भी तो 5 का गुणा हुआ कितना हो गया 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया तो आगे देखते हैं। कोई संख्या है जैसे एक्स है, एक्स का दोस्तों 1/5 यही तो कह रहा है, अब इससे कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है बराबर x, इस तरीके से करते हैं आप, तो बात तो सेम आती। अब देखते हैं इसको यहाँ कर लेते हैं, ये और ये इधर और ये 20 बचा, जब यहाँ माइनस के 20 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा ये इधर, तो अब ये -4x/5 बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल और ये इससे काटेंगे 5 और 5 का होगा दोस्तों इधर, तो ये कितना हो गया हमारा 25। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें और ध्यान से आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रम से 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रम से शेष 1, 2 और 3 बचे निम्नलिखित है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे तो देखें, 4, 5 और 6 इससे ही तो भाग देना है हमको, तो हम क्या करेंगे इसका ले लेंगे एलसीएम,
अब एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप लेना चाहें ऐसे ले लें, तो दो से काटे तो दो पांच तीन। अब ये अपनी अपनी संख्या से कटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है दोस्तों ये सभी, तो पांच पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस और तीस दूनी साठ, कितना हो गया एलसीएम, साठ आ गया दोस्तों एलसीएम। लेकिन शेष कितना बचना चाहिए, जब चार से भाग दें तो शेष एक बचे, जब पांच से भाग दें तो शेष दो बचे, जब छह से भाग दें तो शेष तीन बचे। तो अंतर निकाल कर देखें हम इनका दोस्तों, कितना बचा, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, तीन। तो हमको क्या करना होगा कि साठ में दोस्तों, साठ क्या है, साठ एक एलसीएम यानी चार का भाग देंगे साठ में तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। पांच का भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, छह का भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसमें से हम तीन को घटा देंगे तो सत्तावन आ जाएगा। अब दोस्तों चार का इसमें भाग देंगे हम तो एक शेष बचेगा हमारा, कितना, एक शेष बचेगा। आप नहीं तो इसको भाग देकर देख लो, पांच का भाग देंगे तो दो शेष बचेगा, छह का भाग देंगे तो तीन शेष बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप किस दिन पर है पढ़े और आंसर दें दोस्तों इसका। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ऐसे दोस्तों ये ए और इस तरीके से बी बराबर, ये फॉर्मूला है दोस्तों इसमें जो कह रहा है उसी तरीके से हमको बता देना है। अब हमसे पूछा किसका, फाइव और सेवन, यही तो है, किसके बराबर है। तो सेम दोस्तों ये कंडीशन यहाँ पर हमको दे दी है, अब हमको यहाँ पर लगानी है। तो ए की जगह पर क्या रखते हैं, फाइव और मल्टीप्लाई, और बी की जगह पर कितना है, सेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस बी कितना है दोस्तों, सेवन है। अब ये हुए सात पंजे पैंतीस, ब्रैकेट हल कर लिया फिर प्लस सात, इसको इसमें जोड़ दें क्या गया, बयालीस। तो बयालीस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, किसमें दोस्तों, ऑप्शन सी में। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसके प्राप्त अंक 8 हों तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या है। अब दोस्तों यानी कि एक राइट हो रहा है तो एक नंबर मिल रहा है, रॉन्ग हो रहा है तो दोस्तों कितने, दो नंबर कट रहे हैं हमारे, यानी एक तो सही वाला कट गया और एक गलत वाला, यानी एक दोस्तों एक तो सही वाला कट गया यानी हम यहाँ पर नेगेटिव एक यानी माइनस एक भी हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस एक, उसको जब दोस्तों हम जोड़ेंगे तो ये दो हो जाएंगे, समझेंगे अभी देखें कैसे। तो हमने 20 क्वेश्चन उस लड़के ने दोस्तों 20 के आंसर दिए और उसके कितने नंबर बैठे, 8, तो 8 तो उसके सही होंगे, कितने, 8 तो उसके सही है, 8 तो उसके राइट है, सही बात है गलत। अब इसमें नेगेटिव भी कटा होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, इसमें से इसको हटाकर देखेंगे कितना उसने गलत कर दिया, तो 12। अब 12 पर दोस्तों अगर वो 12 गलत करता तो फिर नेगेटिव कट जाती एक की और, यानी दो नंबर कटते, रॉन्ग पर दो ही तो कट रहे हैं क्योंकि उसने 100% दिया है, तो फिर ये कितना हो जाता दोस्तों, ये तो फिर नेगेटिव में भी जाता। तो अब 12 को हम दो नंबर कट रहे हैं तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 6, यानी 6 सवाल दोस्तों हमारे गलत हुए होंगे जिन पर दो कट रहे होंगे, जब ही तो 12 नंबर हमारे कट गए, तो दोस्तों 6 और हमने किए थे, 6 हमने सही किए थे और 6 हमने गलत किए थे, जब ही तो 8 हमारे बचे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 14, यानी 14 हमारे सही थे, कितने, 14 प्रश्न हमारे सही थे। देखें दोस्तों 20 में से अगर 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 हमारे गलत हो गए, तो 6 गलत के दोस्तों 14 नंबर तो बने और नेगेटिव के और 6 कट जाएंगे, तो यानी कितने कितने बचे, 8 बचे या 9 बचे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से।
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का मासा 16 है और उनका लासा 160 है, यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। अब दोस्तों हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन हो जाएगा नहीं होगा। एलसीएम को देखते हैं दोस्तों क्या है, 160 है, एचसीएफ दोस्तों कितना दिया हुआ है 16, पहली संख्या कितनी है 32, तो अब यहां से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों करें अब इसको निकालें क्या आ जाएगी, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर 160 गुणा 16 बटे 32, इससे ये कट जाएगा दो बार और दो से ये कट जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 80 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन ये वाला जो फॉर्मूला था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें और इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ध्यान से पढ़ें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको कई करा दिए हैं, तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक से दोस्तों, ये क्वेश्चन कराए थे हमने, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, यही क्वेश्चन है और आगे 1/110 ये क्वेश्चन है दोस्तों अब आपको पूछा है, तो हमने इसका बहुत ही शानदार ट्रिक से दोस्तों बताए थे ये कैसे, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे करेंगे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, सीधा आपको काउंट कर लेना कितने 1 2 3 4 5 6 ऊपर आना है, ऑप्शन में देखें दोस्तों कौन से में दिख रहा है आपको, डी वाले में, तो लगातार सीधा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें पूरा ही सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पर नीचे 3 आए तो ये इससे कट जाए, तो 2 वाला भी हो सकता है ये चीज, तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 6 हो गया। अब दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको 5 × 6 लिख सकते हैं और इसको 6 × 7 ये 7 × 8 ये 8 × 9 और ये 9 × 10 और ये 10 × 11, तो हमने क्या बताया था पहली संख्या, तो ये इसको यहां से आप हटाते हैं, 6 थे ना ये, तो 6 पहली क्या है 5 और अंतिम दोस्तों लास्ट क्या है 11, इन दोनों का कर लेंगे गुणा तो 6/55 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/55 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों यदि a बराबर 0.25 और b बराबर -0.05 और c बराबर 0.5 ये दिया हुआ है दोस्तों, और आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर का मान क्या हुआ। अब दोस्तों ये आपको निकालना है, तो अब डायरेक्ट यहां तो वैल्यू रखेंगे आप तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें कैसे सॉल्व करना है। ए स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों क्या है बी और सी के बारे में बात हो रही है, तो ए स्क्वायर को अभी हम अलग रखते हैं, अब यहाँ पर यहाँ से माइनस कॉमन है तो अब ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसी तरीके से हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताएं जल्दी से, ठीक तो है एकदम सही है, प्लस 2bc ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर किसकी बात है ए और बी की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये तो ठीक है, सी स्क्वायर इसको भी अलग रखते हैं। अब दोस्तों आप एक चीज देखते हैं यहां पर क्या है ए स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो हो गया ये,
अरे यही तो हुआ है, बिल्कुल सही। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करेंगे, और आगे कैसे करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनना है, नहीं बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो अब उस वाले से इसको कर देंगे, आगे तोड़ देंगे, तोड़ देते हैं ए प्लस बी और ये यहां पर इस तरीके से। अब दोस्तों इसको करेंगे तो ए माइनस बी और चलो ये, अब ये बन रहे हैं। तो अब दोस्तों अब एक चीज देखें तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा कौन सा हमारा, तो हमारा बचा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी और यहां पर ए माइनस बी प्लस सी। तो अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ए की वैल्यू रखें तो कितनी है 0.25, प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये माइनस है तो फिर यहां पर माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, कितना है 0.05, प्लस सी कितना है दोस्तों 0.5। अब ए की वैल्यू दोबारा रखते हैं 0.25 और बी की दोस्तों माइनस है और यहां पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 0.05 और सी का दोस्तों कितना है 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करें, ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, या इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.75 माइनस 0.05 और ये हो जाएगा हमारा 0.75 प्लस 0.05 और ये यहाँ पर 0.70 और यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 0.80। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 तो 7/8 आ गया। तो ऑप्शन में देखें दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन ए दोस्तों, हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। तो आप दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा हो गया, अगर आप वैल्यू रखते तो और भी बड़ा हो जाता, इसको आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं ये सब चीजें, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो दोस्तों आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस सबको आप प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, और इसकी पीडीएफ हम मंगवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। अब दोस्तों कोई संख्या उसको हम 296 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा कितना बचा 75, तो हम 75 को ही भाग दे देते हैं तो ही तो 75 ही शेष बचेगा। अरे 296 से भाग हम 75 को दे देते हैं तो ये तो 75 बचेगा। अब कह रहा है कि 75 बच रहा है दोस्तों, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दे, यानी 75 को दोस्तों 37 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, तो आप यहां पर दो बार रहे ये कितना होगा 74, एक शेष बचा, कितना शेष बचा एक। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1/3 यदि ए अपॉन 3 बराबर बी अपॉन 4 बराबर सी अपॉन 7 जब है तो क्या पूछा हमसे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब दोस्तों हमने आपको बताया था जब रेशो वाला किया था तो ए बी और सी का रेशो निकाली तो ये क्या हो जाता है 3, 4, 7 ही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4 और सी की जगह पर 7 और यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 14/7 और ये इससे कट जाए तो 2, कितना आएगा हमारा आंसर 2, यानी ऑप्शन बी दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं हम, और आपको दोस्तों कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करानी है दोस्तों कराई जाएंगी मैथ की, तो आप किसी भी तरीके की टेंशन ना लें, पूरा दोस्तों चैप्टर है एक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिए जाएंगे,
बस थोड़ी दोस्तों तबीयत खराब थी, इस वजह से आपको मैथ की वीडियो नहीं मिल रही थी। अब दोस्तों आपको कंटिन्यू मिलेंगी ये, तो और भी आपको वीडियो दोस्तों जितनी है उनके प्ले लिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।